क्या आप ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के फर्क को जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे और आपको फैसला करने में आसानी भी होगी कि आपको ट्रेडिंग करनी है या गैम्बलिंग। तो ट्रेडिंग और पोटेंशियल गैम्बलिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ट्रेडिंग में जब भी आप एक कॉइन को बाय करते हैं तो आपको पता होता है कि इसके पीछे लोग बैठे हैं, एक कम्युनिटी बैठी है। जिस कॉइन में आप पैसे लगाने जा रहे हैं उसकी एक टेक्नोलॉजी है, वो एक प्रोजेक्ट है, उसके पीछे वाइट पेपर है, उसकी टीम है, वो मार्केट में कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी कोई गेम लॉन्च हो रही है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है, वो मार्केट में किसी मसले को सॉल्व कर रहा होता है। अमूमन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें बहुत सारी, स्पेशली लेयर 1 और लेयर 2 की बात करें तो ये किसी मसले को सॉल्व करती हैं। ये मसला एक्सचेंज का भी हो सकता है और फीस का भी हो सकता है। इसमें मार्केट रिसर्च शामिल होती है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करती हैं, इन्वेस्टिंग करती हैं और आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप इस कॉइन को या टोकन को मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं और यही पैसा बनाने की मुफीद किस्म है। अब बात करें गैम्बलिंग या पोटेंशियल गैम्बलिंग की, तो इसमें सिर्फ चांस होते हैं। आप हाई रिस्क पे काम करते हैं, आपके पास पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। गैम्बलिंग जुआ खेलने के मुतरादिफ है। दुनिया में एक असूल है, हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड। ये असूल हर फील्ड में लागू होता है और गैम्बलिंग में कामयाब होना या ना होना आपके लक पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों की गैम्बलिंग के चक्कर में बैंक बैलेंस जीरो हो गए, जायदादें बिक गई और वो कंगाल हो गए। और सबसे बड़ी बात, गैम्बलिंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। हमें उम्मीद है कि जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये वीडियो देखने के बाद आप फैसला ले पाएंगे कि आपको गैम्बलिंग करनी है या ट्रेडिंग, आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले रिसर्च करें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इसके बाद किसी भी चीज को अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।